मुंबई में ट्रिपल तलाक के खिलाफ होने वाले शांतिपूर्ण मार्च को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी और मांग की कि सरकार जल्द से जल्द ट्रिपल तलाक बिल को वापस ले। तो वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला विंग मौजूद थी। इस बिल के खिलाफ पूरे मुंबई और महाराष्ट्र से महिलाएं इस मोर्चे में शामिल होंगी। तो आइए सुनते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोगों ने क्या कुछ कहा। टू ऑल द प्रेस एंड द मीडिया फॉर बीइंग हियर टू कवर आवर प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे। दिस इज रिगार्डिंग आवर प्रोटेस्ट मीट, साइलेंट प्रोटेस्ट मीट अगेंस्ट द ट्रिपल तलाक बिल व्हिच इज करंटली इन द राज्यसभा। इंडिया इज अ सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री। पीपल ऑफ ऑल फेथ हैव द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम इन दिस कंट्री। मुस्लिम्स आर द सेकेंड लार्जेस्ट सिटीजन। The government of India has brought a bill, Muslim Women Protection Bill 2017, which was passed in haste in Lok Sabha, and it is an irony that the bill was framed, drafted without consulting the religious leaders, the ulama, the legal experts, or even the women's rights groups or organizations. The bill is a totally defective bill. It is against the Constitution of India. It is against the Supreme Court judgment dated 22nd August 2017. It has focused more on criminalizing the talaq, making it a cognizable, non-bailable offense. As per the Supreme Court judgment, there is no effect of instantaneous talaq. This bill makes it a punishable offense. Therefore, it is against the rights of women, it's against women's rights, it's against gender justice, it's against children's rights, and it's totally anti-social. The Honorable President of India, in his joint parliamentary address, stated that the Muslim women have been for ages captives to the political interest. This and other such statements by the Honorable President have hurt the sentiments of 20 crore Muslims of this country. Islam is the first religion in the world to give honor, dignity, right and respect to the Muslim women. All India Muslim Personal Law Board has submitted 5 crore signatures in favor of Muslim personal law to the Law Commission. Out of these 5 crore signatures, 2 crore 80 lakh signatures were of women. They have stated that they support the Muslim personal law and they do not want any. And a very good afternoon to one and all present here. भारत एक सेक्युलर जमहूरी मुल्क है। हर मजहब के मानने वाले को यहाँ अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी मिली हुई है। मुसलमान भारत में दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत हैं। इस तनाजुर में काबिल गौर बात यह है कि हुकूमत हिंद एक बिल सभा के अंदर पास भी कर दिया गया। ये एक अलमिया है। इट्स वेरी सैड कि मजहबी क़ियादत, रिलीजियस लीडरशिप, उलमा, माहिरीन कानून या मुस्लिम ख़वातीन की किसी भी जमात और तंजीम से राबता किए बगैर, कोई कांटेक्ट किए बगैर इस बिल का मुसवदा तैयार कर लिया गया। ये बिल मुकम्मल तौर पर खामियों से पुर है। इसमें कानूनी नुक्स है। दस्तूर हिंद और 22 अगस्त के अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ है। इस बिल में ज़्यादा जोर तलाक को नाकाबिल समाअत और ज़मानत बनाकर उसे बड़ा जुर्म करार देने पर है। अदालत उज़्मा के फैसले के मुताबिक फौरी तलाक नाफिजुल अमल नहीं है, यानी इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक अब सेट असाइड हो चुकी है, उसका कोई असर ही नहीं होता। लेकिन ये बिल उसे काबिल सज़ा जुर्म करार देता है। इस वजह से ये बिल मुकम्मल तौर पर औरतों और बच्चों के हुकूक़ के ख़िलाफ़ भी है और समाज मुखालिफ भी है। इज़्ज़त माँ सदर जमहूरिया ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ख़िताब करते हुए ये कहा था कि मुस्लिम ख़वातीन सदियों से सियासी मफाद की जंजीरों से जकड़ी हुई हैं। इस बयान ने मुल्क के 20 करोड़ मुसलमानों के जज्बात को बुरी तरह मजरूह किया है, बहुत ठेस पहुँचाई है। जबकि ये एक तारीखी सच्चाई है कि इस्लाम ही वो पहला मज़हब है जिसने हम औरतों को इज़्ज़त, अजमत और हुकूक दिए।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम पर्सनल लॉ की हिमायत में 5 करोड़ दस्तखत लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भेजे, जिसमें 2,80,00,000 औरतों के दस्तखत थे। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम खवातीन पूरे मुल्क में इस बिल के खिलाफ बड़े शहरों और छोटे कस्बों के अंदर अपनी एहतजाज भरी आवाज बुलंद कर चुकी हैं। इसी सिलसिले में ख्वातीन इस्लाम की एक अजीमुशान और तारीख साज खामोश एहतजाजी रैली मुंबई के आज़ाद मैदान में कल 31 मार्च को 2 से 4 बजे के दरमियान होने जा रही है। उस रैली से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ख्वातीन मेंबरान यानी वुमेन मेंबर्स और मुस्लिम समाज के हर मकतबे फिक्र और हर मसलक की नुमाइंदा ख्वातीन खिताब करेंगी। We want Muslim personal law, and that is our fundamental right in the constitution. That is enough for you. It's yeah. enough for, for us. Any yes. Supreme Court in its 20th August 2020 itself set aside the triple talaq, that is the instance of the triple talaq in one city. So that means it is invalid. So if you accept this verdict, that it is invalid, then why you are, you know, opposing the bill or the law which is the government passed today, so that they will punish the people who clear this crime? If it is invalid, then why you are opposing? See, your question has two parts. The first part is, when the judgment came, it was a contradictory or a fractured judgment. In one part, there was an interference in the Muslim personal law that the judges had set aside the triple talaq. So that means it was not even counted as one. It was not considered three, it was not considered one. That was an interference in the personal law. But we have exercised restraint. We didn't come out in rallies or protests. For in 120 days after this, the government brings in a bill, a totally defective bill, which is going to cause more harm to women. All these days, there was this victim kind of a thing discussed, that the poor woman, where she should go. Now, like the husband is sent to jail, how is it going to help the woman? So that is our argument. Our argument is, the reason why we are opposing this bill is, and it is anti-woman. It will not help the women. See, the desertion rate, abandonment rate is the least in the Muslim community. The men either keep the women in marriage or they divorce. But it's not that they have left them abandoned. So that is the reason why we are opposing the bill. And there is a widow remarriage and a divorcee remarriage system in the Muslim society. The ideology and concept of marriage in Islam is different from other religions. Other religions may have it like a janam janam ka bandhan, but for us it's a contract. And we can enter into the contract and any party can dissolve the contract. The only thing is, if there are some compensation for that invalidating the contract, that has to be given. And we have the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986, because of which if a Muslim woman is divorced, she gets compensation. So the thing is, our country has the Domestic Violence Act, which is 2005. So a woman, if husband is harassing, she can avail benefits of this act. But that has not been done, because there have been cases of, you know, people to ask so many that the government is forced to do something to prevent it. So what is the mechanism? You know, if uttering triple talaq is a crime, there has to be punishment. That's why the government wants to punish to prevent this crime to occur. Number one, talaq is not a crime. Talaq is allowed in Islam. It is a right given to a man. Not the valid form of talaq. See, you are mixing up all the kinds of divorce. The Supreme Court, in its judgment, did not consider any other forms of divorce. When they started the argument, they said, we will restrict our discussion only to the talaq in one sitting, not the talaq-e-bain, not the other kinds of talaq. There is one kind of talaq which the woman initiates, which is called pulaq. I mean the same talaq. It is the least and the minimum in the Muslim community. And suppose a country like India, where there is a freedom, you can have a
you know, free to marriage under the Special Marriages Act. You are free to have a living relationship. We do not understand why there is so much of obsession with the Muslims and the Muslim person. But I have a question. Yes, please. Madam, Supreme Court ke khilaf aapko certificate karne wale hain ya See, right now we are opposing the bill. यहाँ जनतंत्र लोकतंत्र है हमारे मुल्क में, डेमोक्रेसी है, नंबर्स माने जाते हैं, नंबर्स के माने होते हैं. तो जब मीडिया में दो चार औरतों को मिठाई खिलाते हुए बताया गया, तो अब लाखों करोड़ों औरतें इस वक्त इस बिल की मुखालिफत में निकली हैं. आप मीडिया हजरात से गुजारिश है कि ये जो 99% से ज्यादा औरतें इसको अपोज कर रही हैं, इसको कवर करें. और हमारा मुतालिबा ये है, ये बिल वापस ले लिया जाए. एनी ये बिल का ड्राफ्टिंग ऐसी है कि सिर्फ बीवी के कंप्लेन से अरेस्ट नहीं होता, बल्कि अगर कोई पड़ोसी या रास्ता गुजरने वाला भी कह दे कि मैंने इनके घर में झगड़ा सुना और मैंने ये सुना कि शोहर बीवी को तलाक तलाक कह रहा था, एक तीन वो कौन डिसाइड करेगा? वो तो मजिस्ट्रेट के पास जब केस जाएगा, जब हियरिंग को आएगा. लेकिन अरेस्ट फौरन जो होगा, ये बहुत ही खतरनाक चीज है घर के लिए, बच्चों के लिए. ये तो मामला सीएल का है, उसका तो कहां से आ गई वो. हाँ, वही वही क्रिमिनलाइजेशन सबसे मोस्ट गलत चीज है और इससे सबसे ज्यादा औरतों को नुकसान होगा. ये हमारा ऑब्जेक्शन. ये कानून सरे से देखिए मुसलमान कौम के लिए बनाया गया है, लेकिन हमारे यहाँ शरीयत की जो बारीकियां है वो नहीं जानने वालों ने ये बना दिया. हमारे यहाँ तलाक में कई किस्म है और सारी चीजें इसमें शामिल कर दी गई. तलाक को रोकने के लिए कानून बनाया गया, इसका नाम रखा गया मैरिज का बिल. तो ये खुद एक साजिश हमको लगती है. दूसरी चीज, उसका जो सेक्शन है वो कहता है तलाक और एनी अदर फॉर्म ऑफ डिवोर्स. तो वो जो दूसरी चीज है, और की जरूरत ही नहीं थी वहां पे. और कन्वे जो किया जाता है थ्रू पोस्ट, थ्रू ईमेल, तो कन्वे करने पर भी बैन लगा दिया गया. तो इससे औरत को परेशानी होगी कि शोहर डिसाइड कर लेगा कि ही हैज टू डिवोर्स, बट ही विल नेवर कन्वे. वही ही विल कन्वे, ही डजंट वांट टू लैंड अप इन जेल. वो अब नहीं चाहेगा कि वो जेल में जाए. तो तलाक तो अब कोई नहीं देगा. तलाक ना दे और हक भी ना अदा करे तो ये अबैंडनमेंट और डिजर्शन, ये बहुत बड़ा इशू जो मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं था. छोड़ी हुई औरतें और बगैर तलाक के नफा कोई उनका नहीं दे रहा है, खर्च पानी कोई नहीं चला रहा है. ऐसी औरतों की तादाद बढ़ जाएगी. आपको हमारे समाज में जैसे यतीम खाना मिलेगा, लेकिन तलाक शुदा औरतों का कोई विधवा आश्रम टाइप आपको मुस्लिम कम्युनिटी में. पुअरेस्ट कम्युनिटी हमारी, 70% कम्युनिटी हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन है और डेली वेजेस पे है. तब भी हमारी कम्युनिटी में एक सिस्टम है. सिस्टम ये है कि इनको दो चार साल के बाद समझा के दूसरी शादी कर देते हैं उस बेचारी औरत की जिसका भी तलाक हुआ हो. लेकिन अब ये औरतों को ये समझाया जाए कि तू कोर्ट को जाए और लड़ाई लड़ना है तुमको इसका, तो ऑलरेडी हमारी जुडिशियली बर्डन है और किसके पास इतना पैसा है कि वो वकील को पैसे दे सके. तो ये घरेलू मामला जैसे डाउरी एक्ट में कोर्ट में और पुलिस स्टेशन में लाए गए, तो ये मसाइल और बढ़ गए. एक गरीब कम्युनिटी जिसके पास तालीम मसला है, गरीबी मसला है, बेरोजगारी मसला है, अब ये एक घरेलू मसला, एक फसाद घरों में पैदा करना, ये हमारे लिए बहुत नुकसान है. लेकिन लोकसभा बिल पास हो गया, राज्यसभा में बहुत जल्द पास हो जाएगा. आप लोगों को नहीं लगता काफी वक्त हो गया है इस मुद्दे को दर्शाने के लिए? पहला बहुत लेट भी है. देखिए, हम लोगों ने अपने सिग्नेचर्स जो जमा किए थे, 5 करोड़ सिग्नेचर्स, लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लॉ कमीशन, वुमेन्स कमीशन, पांचों जगह हमने सबमिट किए. उसमें 2,80,00,000 जो दस्तखतें थी वो औरतों की थी. लेकिन हमारा मानना ये है कि ये जो जमहूरी मुल्क है, वी हैव अ डेमोक्रेसी, जो हमारे राइट्स हैं हम उसको एक्सरसाइज करें. पहले भी हमने कोशिश की, पहले भी हमारी बहनों ने बड़ी तादाद में आकर अपना एक राइट एक्सरसाइज किया. अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं, हम निराश नहीं हुए.
वहाँ से कुछ इतला आया कानून आयोग से या सरकार के पास हिस्ट्री से? हमारे पास से हमारे सदर ने जो लेटर लिखा था कि ये बिल टोटली ये फ्लॉज है इसमें और इसको बहुत सारी चीजें इसकी औरतों को ही इन्हें नुकसान पहुंचाएंगी, तो कोई हमको भी जवाब नहीं। लेकिन आप ये मानते हैं कि फोन पे या किसी भी तरह से 3 तलाक होने का रोकता? देखिए, फोन, ईमेल, इंटरनेट इज अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप अपना पासपोर्ट सबमिट करते हैं और आपको मैसेज आता है कि योर पासपोर्ट हैज बीन अप्रूव्ड एंड यू विल गेट इट बाई पोस्ट, डू यू बिलीव इट और नॉट? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पहले के दौर में अलग थे, अब के दौर में अलग है। दैट इज नॉट द थिंग। असल चीज ये है कि जो आदमी औरत को रखना नहीं चाहता, हम औरतों की इज्जत है, हम उन पर बोझ बनके उस रिश्ते में हम भी नहीं रहना चाहते। जिन औरतों को तलाक हुई, अगर उनसे पूछा जाए, दे विल नॉट वॉन्ट टू गो बैक टू द सेम हस्बैंड। तो हमारे लिए एक एग्जिट डोर मैकेनिज्म है, इट इज अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, इट इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम। 1955 में जब हिंदू लॉ बना तो उस वक्त डिवोर्स को एज ए रिफॉर्म मेजर लिया गया, ताकि ऐसी औरतें जो एक अनसक्सेसफुल शादी में फंसी हुई हैं, उनको निकलने का एक एग्जिट मैकेनिज्म है। तो हम औरतों का मसला तलाक नहीं, तालीम हमारा मसला है और हमारी सुरक्षा हमारा मसला है, ये असल मुद्दे हैं। इस पे सारे धर्म के लोगों को मिलके कोशिश करना चाहिए और असल जो काम की जरूरत है, समाज सुधार का काम ये ज्यादा करना चाहिए, कानून से छेड़छाड़ नहीं होना। बिल्कुल टोटल हमारा डिमांड है टेक बैक द बिल, take back the bill, we don't want the bill. What will be the next action? We don't want it. हमारी लीडरशिप जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की है, उन्होंने वो जो डिसाइड करेंगे, हमारा कलेक्टिव डिसीजन रहेगा और उस पर हम लोग अमल करेंगे आगे। वॉट एवर विल बी द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द प्रोटेस्ट, वॉट एवर वी नीड टू डू नेक्स्ट, वी हैव अ वर्किंग कमिटी मीटिंग इन द बोर्ड एंड देन दैट विल बी टेकिंग डिसीजन। वी डू नॉट नो, बट अवर वर्किंग कमिटी एंड द पर्सनल लॉ बोर्ड लीडरशिप डिसाइड्स व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हेन इट नीड्स टू बी डन, एंड वी हैव फुल फेथ इन द लीडरशिप। मोदी जी कहते हैं ये बिल है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके हित के लिए है, इसे पास करना बहुत जरूरी है। आपको नहीं लगता मोदी जी के बिल का, आपको लगता है मोदी के बात है? ये बिल का कोई भी हिस्सा औरतों के लिए फेवर में नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से उनको परेशानियों में डालने वाला बिल। लेकिन इस बिल का समर्थन तो कई मुस्लिम महिलाओं ने किया था। देखिए, जिन औरतों को पार्लियामेंट की गैलरी में बिठाया गया, बताया गया हो, या फिर मिठाई खिलाते हुए टीवी में बताया गया हो, इट इज अ टोटल फॉल्स प्रोपेगेंडा। अक्रॉस इंडिया हम जहां प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वी आर गेटिंग अ ह्यूज रिस्पांस एंड एवरीबॉडी सेज, वो कौन औरतें हैं जिनको बुर्का पहना के पेश किया गया, हम तो ये बिल नहीं जाते। तो मुट्ठी भर औरतों को लेकर पूरे 10 करोड़ आवाम पर आप कोई चीज थोप नहीं सकते। आप सरकार को सवाल खड़ा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में पहली चीज ये नहीं कहा कि कानून बनाए, इट वॉज अ माइनॉरिटी जजमेंट, 3 जजेस ने नहीं कहा, 2 जजेस ने सिर्फ ये कहा इफ द गवर्नमेंट वॉन्ट्स दे मे ब्रिंग अ बिल। सेकेंड चीज, सुप्रीम कोर्ट की 5 दिन जो बहस रही, कहीं पर भी इस ऑफेंस को क्रिमिनलाइज करना है नहीं कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एडवोकेट से पूछा कि व्हाट इज योर सॉल्यूशन टू दिस इश्यू ऑफ मुस्लिम वुमेन, तो इसको सोशल रिफॉर्म के जरिए टैकल किया जा सकता है, समाज सुधार के जरिए ये डाइंग प्रैक्टिस है जो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, तो इस पर बात खत्म हो गई। सो इट इज इश्यू ऑफ सोशल रिफॉर्म, इट्स अ टोटल इंटरनल इश्यू, देयर शुड बी नो चेंजेस इन द लॉ। तो गवर्नमेंट ने जो इसमें क्रिमिनलाइजेशन का क्लॉज रखा है, इससे गवर्नमेंट का जो एंटी मुस्लिम एजेंडा है वो जाहिर होगा। सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ तलाक होती ही नहीं, बहुत कम केसेस में तलाक को रिजॉल्व करते हैं, और अगर कहीं तलाक होती है तो वो खातून से जाके पूछिए, वो बोलेगी मुझे छुटकारा मिला, आई डोंट वांट टू गो बैक टू दैट हस्बैंड। तो जो हो रही है तलाक, उसमें से आधे से ज्यादा औरतें तो खुश हैं कि छुटकारा मिल गया। इस मुल्क हिंदुस्तान की 99% से ज़्यादा मुस्लिम खवातीन मुस्लिम पर्सनल लॉ चाहती हैं, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई भी चेंजेस नहीं चाहती। हुकूमत की जानिब से एक बिल लाया गया है जो जल्दबाजी में लोकसभा में पास कर दिया गया, इसको तैयार करने में किसी भी लॉ के एक्सपर्ट्स को, माहिरीन को, उलमाए इकराम को किसी की राय नहीं ली गई और ये बिल इस वक्त राज्यसभा में है।
हमारी मांग ये है कि ये बिल वापस ले लिया जाए। ये बिल मुसलमान औरतों के हित में नहीं है। ये बिल घरों को, खानदानों को तोड़ेगा, बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा। और ये बिल में जो क्रिमिनलाइजेशन का क्लॉज है, क्रिमिनलाइज करने से औरतों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तलाक नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के हिसाब से, और शौहर जेल जाएगा। ये सरासर औरतों के खिलाफ है। 3 साल तक इस औरत की देखभाल कौन करे, बच्चों की देखभाल कौन करे? मुसलमान कौम, ये सचर कमेटी रिपोर्ट बताती है कि 70% से ज़्यादा गरीब है, और घर का शौहर या मर्द कमाने वाला आदमी होता है, डेली वेज अर्नर होता है। ऐसे वक्त में समाज में ऐसा बिल, ऐसा कानून इस मुस्लिम कौम पर थोपना, हम इसको गलत समझते हैं। इसलिए महिलाओं के हित में नहीं है। करोड़ों महिलाएं इसके खिलाफ आ रही हैं, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में प्रदर्शन, रैलीज, खामोश मुजाहरे किए जा रहे हैं। हमारी मांग ये है ये बिल वापस ले लिया जाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई मदाखलत ना हो। इस मुल्क के संविधान दस्तूर में हमको हक है कि अपने मजहब पर अमल करें, जिस तरह से दूसरी कौमों को, दूसरे कम्युनिटीज़ को उनके मजहब पर अमल करने का हक है। मुसलमानों के भी पर्सनल लॉ के जो निजी मामलात हैं, इसमें अदालत, हुकूमत कोई मदाखलत, कोई इंटरफेरेंस ना करें। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के समर्थन में, सपोर्ट में सारी महिलाएँ हैं, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो फैसला करेगा उसको हम मानने पूरी तरीके से तैयार हैं। पहली बात आपकी ये है कि जब बिल पेश किया गया पार्लियामेंट में, उसके 4 दिन पहले ही इसका ड्राफ्ट पार्लियामेंटेरियंस को दिया गया। ड्राफ्ट पहले से डिस्कस नहीं किया गया और उस पर सबकी राय ली नहीं गई। अगर राय ली जाती तो उस वक्त ही हम अपनी राय बताते। उससे पहले जब हमने 5 करोड़ दस्तखतें लॉ कमीशन में दी, इसके बावजूद हमारी जो 5 करोड़ दस्तखतें हैं, इसको सुना नहीं गया। और जब ये बिल आया है तो इसके अंदर जो क्लॉज रखे गए हैं वो सरासर घरों को और औरतों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, इसलिए हम प्रदर्शन करके इसकी मुखालिफत करें। जो आपने दस्तावेज भेजे थे, इसका रिप्लाई नहीं मिला लॉ मिनिस्ट्री से और मंत्रालय से, तो क्या उसके बाद आपने कदम उठाया? जी नहीं, जब जजमेंट आया था उस वक्त हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड के जो वकील हैं और हमारे जो बड़े जिम्मेदारान हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छी इसकी पैरवी की। जजमेंट में मुस्लिम पर्सनल लॉ को मुसलमानों का फंडामेंटल राइट मानते हुए उसको पूरी तरीके से प्रिजर्व किया गया और उसको गारंटी किया गया। जजमेंट का एक हिस्सा ये था कि एक वक्त में अगर 3 तलाक दी जाती है वो सेट असाइड है, क्योंकि तलाक ही हमारे यहाँ बहुत कम है, और एक वक्त में 3 तलाक तो और बहुत कम है। और ये तलाक़ी बिद्दत है, यानी मुसलमानों में भी ये अच्छा तरीका नहीं माना जाता है कि फटाफट तलाक दे दो, बल्कि ठहरते हुए देना है। तो इसलिए हम लोगों ने इस पर कोई प्रदर्शन नहीं किया। 120 दिन के बाद अब हुकूमत एक कानून बना के लाती है, और ये कानून किसी तरीके से भी औरतों के हित में नहीं है। तो जो विमेंस राइट और जेंडर जस्टिस के लिए लड़ने वाली जो खवातीन पहले थी, अब वो भी इस बिल की मुखालिफत कर रही हैं। सीनियर एडवोकेट्स इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, लॉयर्स इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। और जब ये कानून इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे आएगा तो बहुत ज़्यादा इसमें टकराव होगा दूसरे खवानीन से जो ऑलरेडी हमारे मुल्क में मौजूद हैं। कल क्या सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र की वुमेन्स भी नहीं इस आंदोलन में शामिल होगी? कल के आंदोलन में ऑल ओवर इंडिया से भी तमाम मुस्लिम महिलाएं इसके साथ? ये मुंबई का है तो मुंबई की पूरी खवातीन इसमें शामिल है। इस बिल को क्या जबरदस्ती आप लोगों को थोपा जा रहा है? जबरदस्ती थोपा जा रहा है। कौन इसके पीछे जिम्मेदार लगता है? जबरदस्ती ये बिल हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। हम ये बिल नहीं चाहते, हमको कोई बिल की जरूरत नहीं है। हमारा जो पर्सनल लॉ है उसमें हम सुरक्षित है। जिम्मेदार कौन है?